हेलो एवरीवन, नमस्कार सब। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 8 में संस्कृत पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वंदना। तो आप जब भी आप पीडीएफ देखते हैं और वीडियो देखते हैं, प्लीज़ अपनी बुक को जरूर खोल के रखें। तो देखिए, यहाँ वंदना चैप्टर है जहाँ ईश्वर से वंदना की गई है। हर बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, आपकी जब भी हम प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि जो भी बात हम आपसे बोलते हैं या हम जो भी विषय आपसे मांगते हैं वो हमारी अवश्य पूरी रहती है। लेकिन ईश्वर को जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो पूरे मन से भाव प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे 4 श्लोकों के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की गई है और हर श्लोक का अलग अलग अर्थ बताया गया। देखिए, यह पहला श्लोक है, मुखम करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपा तम अहम वंदे परम आनंदम माधु। देखिए इसका क्या अर्थ है। मुखम करोति वाचालं, मुखम मतलब गूंगा। जो गूंगा होता है वो बोलने लगता है, जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लगता है। पंगु लंघयते गिरिं, पंगु मतलब जो चल फिर नहीं सकता, लग रहा कहने का मतलब जो चल नहीं फिर सकता अपाहिज, वह भी पर्वत को पार कर लेता है। कैसे? ईश्वर की कृपा से। तो यद कृपा, जिनकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े या अपाहिज लोग पर्वत को भी पार कर लेते हैं, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से ये असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः असंभव भी संभव करना उस ईश्वर के हाथ में है। बात हमारी प्रार्थना की है। यदि हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आपके द्वारा हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का ध्यान रखें। देखिए, सेकंड जो श्लोक है वो है, सर्वस्वरूप सर्वेश्वर सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसिद्ध परमेश्वर। अब देखिए, यहाँ पे ईश्वर को कितने नामों से संबोधित किया गया है। सर्वस्वरूप यानी सभी रूपों में विद्यमान, जो सभी रूपों में सभी तरीके से आपके सामने प्रकट हो जाता है। ईश्वर हर जगह होता है ये आप जानते हैं, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देता। अगर आप मन के भावों से उसे देखते हैं तो ईश्वर आपको दिखाई देते हैं। तो सभी रूपों में विद्यमान, सर्वेश यानी सबके स्वामी, सर्वशक्ति समन्वित और सारी शक्तियों से युक्त ईश्वर, आप सभी रूपों में विद्यमान हो, सब कुछ जानने वाले हो, आप सबके स्वामी हो और सारी शक्तियाँ आप में युक्त हैं। सर्वपालक, अब देखो एक नाम और बताया गया है, क्या? सर्वपालक। सर्वपालक यानी सभी का पालन करने वाले, सभी के पालनहार। सर्वज्ञ एक और नाम है, सर्वज्ञ यानी आप सब कुछ जानते हो, दुख सुख सब में आप काम आते हो और आपको पता है कि किसे भी की जरूरत है और आपकी उसकी सहायता जरूर करते हो, यानी सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले। हे ईश्वर, आप प्रसन्न हो। हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी से प्रसन्न रहे। देखिए, थर्ड नंबर का है, परमेश पिता अस्माकम जननी तु वसुंधरा वयम सर्वे तयो पुत्रा नमामस्तो नता सदा। देखिए, परमेश पिता अस्माकम, ये जो ईश्वर है वो हमारे पिता के समान है, जो ईश्वर है वो हमारे पिता के समान है, और जो ये धरती माता है जननी तु वसुंधरा, और ये जो धरती माता है वो हमारी क्या है? माँ। यानी ईश्वर को तो पिता की संज्ञा दी गई है और धरती को माता बताया गया है। वयम सर्वे तयो पुत्र, और इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब हमारे क्या हैं? भाई बंधु। क्योंकि ईश्वर हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है और इस धरती पर निवास करने वाले हम सब भाई बंधु हैं। पुत्र नमामस्तु नतो सदा, और हम सब आपके
जो आप हमारे माता पिता हैं उनके चरणों में हम शीश नवाते हैं, क्योंकि आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही सब कुछ जानने वाले हैं। इसीलिए हम धरतीवासी जो कि कुछ नहीं जानते, अज्ञानी हैं, वो हम आप सबको शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए एक और लास्ट चौथा इसके अंदर है, अस्तो माँ सद्गमय है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय है, मृत्यु माँ अमृतमय। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा। मंदिरों में जब भी आरती होती है, आरती के बाद आप श्लोक को सुनना, पर आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि आप ये वाला श्लोक जरूर याद रखें, मन को बहुत शांति मिले। देखिए श्लोक का क्या अर्थ है, अस्तो माँ सद्गमय है, जो ईश्वर है वह हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है, जो ईश्वर है वह हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, और मृत्युर्मय अमृतमय, और मनुष्य से और मनुष्य को मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। कहने का मतलब है, ईश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाएं, अज्ञान जैसे अंधकार जो हमें भरा हुआ है उसमें हमें उजाले की ओर लेकर जाएं, और जो हमारी मृत्यु हो उससे हमें अमरता को प्राप्त करें। कहने का मतलब, ईश्वर की कृपा से हम कभी गलत मार्ग पर चले जाते हैं तो हे ईश्वर आप हमें सही रास्ता दिखाइए, और हम आपकी कृपा के बिना कुछ भी असंभव, कुछ भी संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ईश्वर ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम सारे कार्य अच्छे से कर सकते हैं। अतः एक प्रार्थना की गई है ईश्वर से, एक वंदना की गई है कि हे ईश्वर हमारे जितने भी दुख दर्द हैं उसे आप दूर कीजिए, क्योंकि एक आप ही वो सर्वज्ञ पालनहार सारे सब कुछ जानने वाले सर्वशक्ति आप प्रसन्न रहें और हम लोगों को आपकी कृपा बना रहे। ये था पाठ, शब्दार्थ आपको नहीं करने हैं, और जो टिक किए जाते हैं आपके बुक के अंदर वो क्वेश्चन आपको कॉपी के अंदर करने हैं। आपको क्वेश्चन का कार्य पीडीएफ के द्वारा भेज दिया जाएगा, तो प्लीज़ जब भी आपके पास पीडीएफ आता है आप वर्क उसी समय से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। आपको कॉपी बनानी है, ये मैंने आपको हिंदी के लेक्चर में बता दिया था कि आपको 3 कॉपी बनानी है, हिंदी 1 की अलग, हिंदी 2 की अलग, और संस्कृत की अलग। ये बात थी 8 क्लास की। इसीलिए ये बच्चों ध्यान से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और पूरा कार्य कंप्लीट करें।